दोस्तों आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ बंगेश्वर रस के बारे में। यह मेडिसन प्रमेह जैसे रोग में, मूत्र संबंधी रोगों में काफी प्रभावी रूप से अपना लाभ दिखाती है। इसके अलावा और भी कई सारे फायदे इसका सेवन करने से आपको मिलते हैं। तो वीडियो के अंदर आपसे मैं बात करूंगा कि किन किन रोगों में यह लाभ देती है, क्या इसके मुख्य इंग्रेडिएंट रहते हैं, कितनी मात्रा में, कब और कैसे इसका सेवन आपको करना चाहिए और इससे जुड़े हुए दूसरे पहलुओं के बारे में। तो अपने वीडियो के मेन पार्ट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मेडिसिन के साथ में इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में एक बहुत छोटी सी डिब्बी रखी हुई है वैद्यनाथ कंपनी का बंगेश्वर रस। इसको कहा जाता है कुल मिलाकर के 150 मिलीग्राम की 40 टैबलेट्स इस पैकिंग के अंदर हमको अवेलेबल होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस मेडिसिन के फॉर्मुलेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को तैयार करने के लिए वंग भस्म ली जाती है, साथ ही कांतलो भस्म, अभ्रक भस्म और नाग केसर का चूर्ण, इन सबको समान समान मात्रा में ले करके एक साथ अच्छी तरीके से मिला करके और एलोवेरा रस के साथ में 7 भावनाएं दी जाती हैं। उसकी जो पेस्ट बनता है उससे टेबलेट्स तैयार कर ली जाती हैं, तब इसका नाम होता है बंगेश्वर रस। तो यह रहती है इसकी निर्माण विधि की जानकारी। अब बात करते हैं कि यह मेडिसिन आपको किन किन रोगों में फायदा करती है। तो फ्रेंड्स, यह जो मेडिसिन है, चूंकि इसमें वंग भस्म एक प्रमुख घटक द्रव्य के रूप में मिलाई गई है, ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन प्रमेह रोग में काफी अच्छा काम करती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए काफी अच्छे जो है इसके रिजल्ट देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा कांतलोह की भस्म और अभ्रक की भस्म इसके अंदर मिलाई गई है, जिसके कारण यह शरीर में धातुओं को पोषण भी देती है, धातुओं की कमजोरी को भी दूर करती है। उसके अलावा रक्त धातु की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली यह मेडिसिन रहती है। यह मेडिसिन अग्निमान अर्थात मंद अग्नि की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए काफी अच्छी रहती है। मधुमेह के रोगियों के लिए नियमित तौर पर सेवन करने से काफी ज्यादा लाभ यह प्रदान करती है। उन सब के अलावा यह ट्यूबरक्लोसिस के रोग में, क्षय रोग में शरीर में आने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए काफी अच्छी मेडिसिन रहती है। उन सब के अलावा यह जो है मूत्र विकारों में काफी अच्छी तरीके से काम करती है। मूत्र में दहा होना, मूत्र का क्रच होना, रुक रुक कर पेशाब का आना, ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत अच्छा अपना लाभ आपको दिखाती है। स्त्रियों में एक रोग होता है सोम रोग, तो सोम रोग की कंडीशन में भी यह मेडिसिन काफी अच्छी तरीके से काम करती है। बार बार पेशाब का आते रहना, पेशाब का रुकावट ना होना, ऐसी कंडीशन में इस बंगेश्वर रस का सेवन करने से काफी अच्छा फायदा जो है रोगी को हो जाता है। इस मेडिसिन के बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि सर्दियों के दिनों में नियमित रूप से शिलाजीत के साथ में इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है तो यह शरीर को हर्ष पुष्ट और बलवान बना देती है, धातुओं का विशेष रूप से पोषण करती है और शरीर की कांति आभा देखते ही बनती है। तो यह कुछ मोटे मोटे फायदे रहते हैं जो बंगेश्वर रस का सेवन करने से हमको मिलते हैं। अब बात करते हैं कि यह मेडिसिन आपको कितनी मात्रा में, कब और कैसे सेवन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सेवन करने के लिए जो रिकमेंडेड डोज है वो एक समय में एक रत्ती से लेकर 2 रत्ती की मात्रा में अर्थात 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसको सेवन करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि शहद के साथ में सेवन किया जाए अथवा दूध की मलाई के साथ में सेवन किया जाए। कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है तो सिंपल ताजे पानी के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, काफी अच्छा परिणाम यह अपना देती है। बात करें इसकी कीमत के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया कि वैद्यनाथ कंपनी का बंगेश्वर रस मेरे पास में रखा है 150 मिलीग्राम की एक टैबलेट और 40 टैबलेट की जो है पैकिंग है, 172 रुपए की कीमत जो है इसके ऊपर मेंशन की गई है। तो लगभग 4.5 रुपए के आसपास की एक टैबलेट आपको यह पड़ जाती है। बाकी आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से अवेलेबल हो जाता है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ बंगेश्वर रस के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।